भारत की 10 फिल्में जिसने पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया। नंबर 10 पर तमाशा फिल्म आती है। इस फिल्म के लीड रोल में रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण हैं। इस फिल्म ने पाकिस्तान में 8.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। नंबर 9 पर प्रेम रतन धन पायो फिल्म आती है। इस फिल्म के लीड रोल में सलमान खान और सोनम कपूर हैं। इस फिल्म ने पाकिस्तान में 8.8 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। नंबर 8 पर बाजीराव मस्तानी फिल्म आती है। इस फिल्म के लीड रोल में रणबीर सिंह और दीपिका पादुकोण हैं। इस फिल्म ने पाकिस्तान में 9 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। नंबर 7 पर वेलकम बैक फिल्म आती है। इस फिल्म के लीड रोल में जॉन अब्राहम, अनिल कपूर और नाना पाटेकर हैं। इस फिल्म ने पाकिस्तान में 9.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। नंबर 6 पर दिलवाले फिल्म आती है। इस फिल्म के लीड रोल में शाहरुख खान, काजोल, वरुण धवन और कृति सेनन हैं। इस फिल्म ने पाकिस्तान में 20 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। नंबर 5 पर पीके फिल्म आती है। इस फिल्म के लीड रोल में आमिर खान और अनुष्का शर्मा हैं। इस फिल्म ने पाकिस्तान में 22 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। नंबर 4 पर बजरंगी भाईजान फिल्म आती है। इस फिल्म के लीड रोल में सलमान खान और करीना कपूर हैं। इस फिल्म ने पाकिस्तान में 23 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। नंबर 3 पर धूम 3 फिल्म आती है। इस फिल्म के लीड रोल में आमिर खान, अभिषेक बच्चन, उदय चोपड़ा और कटरीना कैफ हैं। इस फिल्म ने पाकिस्तान में 25 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। नंबर 2 पर सुल्तान फिल्म आती है। इस फिल्म के लीड रोल में सलमान खान और अनुष्का शर्मा हैं। इस फिल्म ने पाकिस्तान में 33 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। नंबर 1 पर जाने से पहले अगर आप लोग भी ये सोच रहे होंगे कि नंबर 1 पर सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान या रॉकी भाई की फिल्म होगी, तो आप लोग गलत सोच रहे हैं। अगर आप लोग नंबर 1 पर कौन सी फिल्म में जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नंबर 1 पर संजू फिल्म आती है। इस फिल्म के लीड रोल में रणबीर कपूर और परेश रावल हैं। इस फिल्म ने पाकिस्तान में 37.6 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। वैसे आप लोगों को इन 10 फिल्मों में से कौन सी फिल्म सबसे अच्छी लगती है कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।